बहुत से फ्रेंड्स जब भी कोई नया पीसी खरीदते हैं या लैपटॉप बाय करते हैं तो उसकी स्पीड बहुत फास्ट मिलती है, लेकिन 1 महीना या 2 महीने या 3 महीने 4 महीने के बाद जब हम उसको उसमें थोड़ी सी स्टोरेज रख लेते हैं, फोटोज, वीडियोस, मूवीज वगैरह या ब्राउजिंग, तो वर्क करने लगते हैं तो हमारा पीसी थोड़ा स्लो हो जाता है। तो व्हाट इज ए रीज़न, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि हम अपने पीसी में जो अनवांटेड फाइल्स होती हैं, जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, उनको कैसे डिलीट कर सकते हैं। सो हाय गाइस, दिस इज प्रीत एंड यू आर वाचिंग नेट क्रेज। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें स्टार्ट मेन्यू में जाना होगा, चाहे कोई सी भी विंडो हो, स्टार्ट मेन्यू में जाके हमें शिफ्ट प्रेस करके 5 बटन जो है हमारा वो प्रेस करना होगा, या परसेंटेज डालनी होगी। तो उसके बाद TEMP प्रेस करना होगा, टेम्प, और फिर दोबारा से वही और एंटर कर देना है। तो ये जो हमारी मैंने थोड़े दिन पहले डिलीट की थी ये टेम्परेरी फाइल्स, तो दैट्स वाई ये बहुत कम है, लेकिन ये सारा स्टफ जो होता है ये एकदम फुल होता है। तो बहुत सी MB भी इसने, स्टोरेज भी इसने अपने अंदर कंज्यूम कर रखी होती है। तो इसको अभी डिलीट करना है, आप सिंपली कैसे डिलीट कर सकते हो, पहले कंट्रोल, फिर ए, और फिर शिफ्ट, फिर डिलीट एंड एंटर। और ये जो आता है, ये कुछ फाइल्स होती हैं जो डिलीट नहीं हो सकती और सिस्टम की होती हैं, तो इसको अपने चेक कर देना है, तो यहाँ पे स्किप कर देना है। तो आपके जो पीसी की जो स्पीड होती है तो उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।